हेलो दोस्तों, आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे पामिस्ट्री की। हाथ की लकीरों में क्या छुपा हुआ है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे गुरु पर्वत की, आज के गुरु पर्वत पर कौन कौन से चिन्ह हैं जो आपको उन्नति दिला सकते हैं, कौन कौन से चिन्ह आपके लिए अच्छे हैं और कौन कौन से आपके लिए अच्छे नहीं हैं और उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम इन सब की बात करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम कुंडली की बात करें तो उसमें भी सबसे जो अच्छा ग्रह माना जाता है वो गुरु ग्रह को ही माना जाता है। गुरु ग्रह हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रदान करता है जो हमारे जीवन में हमें उन्नति की ओर लेकर जाती हैं। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि हाथ में गुरु पर्वत कहाँ पर स्थित होता है। आपके हाथ में तर्जनी उंगली के नीचे का जो क्षेत्र है उसे गुरु पर्वत कहा जाता है। ये क्षेत्र अगर अच्छे से विकसित हो, अच्छा उभार लिए हुए हो, तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये आपकी तरक्की का सूचक है और इस पर अगर निशान बने हुए हों, कई तरह के निशान जो हैं गुरु पर्वत पर देखे जाते हैं, जैसे क्रॉस का निशान, स्क्वायर का निशान, ट्रायंगल का निशान, इस तरह से बहुत सारे निशान गुरु पर्वत पर हो सकते हैं और उन सभी निशानों का मीनिंग जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो आज हम यही जानेंगे कि गुरु पर्वत पर अलग अलग निशानों के क्या मीनिंग हो सकते हैं, वो आपको क्या दे सकते हैं। जिस व्यक्ति का गुरु पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में होता है उस व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं और ऐसे व्यक्ति दूसरों को डोमिनेट करने की क्षमता भी बहुत अच्छी रखते हैं। वो लोग विनम्र होते हैं, परंतु अगर कोई उनके ऊपर अपना रोब जमाने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनते और एकदम से रिएक्शन करते हैं और अपनी नेतृत्व की जो क्षमता है वो सामने वाले को दिखा देते हैं। परंतु फिर भी जो इनका व्यवहार है वो बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। ये किसी को भी बिना बात के उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देते, किसी को भी बिना बात के तंग नहीं करते। तो जिनका जुपिटर माउंट विकसित होता है वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा माना जाता है। परंतु अगर यही माउंट कहीं दबा हुआ हो, अच्छी कंडीशन में ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों में नेतृत्व की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोग दूसरों के आगे खड़े होने से घबराते हैं, उनमें एक फियर फैक्टर मौजूद होता है जिसके कारण वो दूसरों से तर्क और वितर्क करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। वहीं अगर गुरु पर्वत शनि पर्वत की तरफ झुका हुआ हो तो उसके क्या रिएक्शन हो सकते हैं, आज हम ये भी जान लेते हैं कि अगर गुरु पर्वत जो है वो शनि जो मध्यम उंगली के नीचे का पर्वत है अगर उसकी ओर झुका हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिज्म में उसका बहुत ध्यान होता है, ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है। ऐसा देखा गया है कि जिन व्यक्तियों का गुरु पर्वत शनि पर्वत की तरफ झुका हुआ हो ऐसे व्यक्ति बहुत प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट माने जाते हैं ऐसे लोग, और उन्हें पता होता है कि किस समय क्या चीज़ बोलनी है, कहाँ क्या शब्द जो है वो यूज़ करने हैं। उनको बहुत इस बात की समझ होती है, वो बहुत बुद्धि को अपने ढंग से यूज़ करते हैं, कहीं भी बिना बात के वो बात नहीं करेंगे। इसलिए गुरु पर्वत का शनि पर्वत की तरफ झुके होना बहुत अच्छा माना जाता है। आगे बात करते हैं कि अगर गुरु पर्वत मंगल पर्वत की तरफ झुका हुआ हो, यानी कि मंगल पर्वत जो है वो तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच का क्षेत्र माना जाता है। मैं आपको यहाँ पिक्चर में दिखा रही हूँ, आप उसे देखें कि मंगल पर्वत कहाँ पर स्थित होता है। अगर गुरु पर्वत मंगल पर्वत की तरफ झुका हुआ हो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत क्रियात्मक शक्तियों के मालिक होते हैं, ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और जो सोच लेते हैं उसको करने के लिए जी जान से कोशिश करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इन लोगों को बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ही अच्छा काम करने वाले माने जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों को अपना ज्ञान देने में बहुत ही अच्छा फील करते हैं, इसलिए ऐसे लोग अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाएं, लेक्चरर प्रोफेशन में जाएं या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में जहां आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांट सकें तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है और वो लोग बहुत तरक्की भी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने चिन्हों की तरफ। जो गुरु पर्वत पर चिन्ह होते हैं वो आपको कहाँ तक तरक्की दे सकते हैं। सबसे पहले है क्रॉस का चिन्ह। अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ हो तो उसे शुभ माना जाता है। क्रॉस का चिन्ह सिर्फ गुरु पर्वत पर ही शुभ माना जाता है, पूरी हथेली में क्रॉस कहीं भी बना हुआ हो उसे अशुभ माना जाता है। परंतु अगर वो गुरु पर्वत पर बना हुआ हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, उन्हें बहुत वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है और उन्हें ससुराल से भी धन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अगला जो हमारा चिन्ह है वो है एक स्टार का चिन्ह। अगर गुरु के पर्वत के ऊपर कोई स्टार बना हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा भाग्य में उन्नति दिलाता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, किसी उच्च पद पर हो सकते हैं, या किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ उनके संबंध रह सकते हैं। ऐसे लोग सोशल नेटवर्क इनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसे लोग सोशल काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को लोगों के साथ संपर्क रखना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग अकेले में नहीं रह सकते, इन्हें हमेशा ही पब्लिक में रहना पसंद होता है। चलिए अगले निशान की तरफ चलते हैं। अगर गुरु पर्वत पर ट्रायंगल का निशान बना हुआ हो तो वो हमें क्या कहता है? गुरु पर्वत पर ट्रायंगल का निशान भी उसी तरह से अच्छा माना जाता है जैसे स्टार का निशान अच्छा माना जाता है। ये इंसान में नेतृत्व की क्षमता बहुत ज़्यादा देता है, ऐसे लोग भी पॉलिटिक्स में अच्छी सफलता हासिल करते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों के ट्रायंगल का निशान गुरु पर्वत पर होता है उनका भाग्य बहुत जल्दी उदय होता है और वो छोटी उम्र में काफ़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। अगला जो निशान है गुरु पर्वत के ऊपर वो है स्क्वायर का निशान। स्क्वायर का निशान भी बहुत अच्छा निशान माना जाता है, ऐसे लोग भी बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी तरक्की हासिल करते हैं, उनको भी समाज में बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा मिलती है। स्क्वायर का निशान एक ऐसा निशान है जो प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी बीमारी से होने वाली जो प्रोटेक्शन है वो स्क्वायर का निशान बताता है। अगर कोई भी बीमारी होती है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं जिनकी उंगली पर स्क्वायर का निशान बना हुआ हो। अगला जो निशान है वो है द्वीप का निशान। अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर द्वीप का निशान बना हुआ हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता, वो कार्यक्षेत्र में अस्थिरता को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम में उच्च स्थिति में पहुंचकर भी वहां से एकदम नीचे आकर गिर जाते हैं, उनकी डाउनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है लाइफ में। इसका एक कारण है, वो कारण ये है कि ऐसे लोग जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते, वो किसी भी ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं परंतु उनको अपने काम में सेटिस्फेक्शन नहीं होती, जिसके कारण उनकी लाइफ में अस्थायीपन बना रहता है। ये हमेशा बहुत सारे काम करने के लिए सोचते रहते हैं जिसके कारण ये अपना दिमाग इधर उधर भगाते हैं और दूसरे कामों की तरफ इनका जो ध्यान है वो चला जाता है, और एक अच्छा काम होने के बाद भी इन्हें उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती और इसलिए इनके जीवन में सफलता नहीं आती। अगला जो निशान है वो है आड़ी रेखाएं। अगर गुरु पर्वत के ऊपर आड़ी या टेढ़ी रेखाएं हों तो ये आपके पॉलिटिक्स करियर में आपके दुश्मनों को दर्शाती हैं, ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे तो पॉलिटिकल करियर इन लोगों का बहुत अच्छा होता है परंतु उतने ही शत्रु इनके ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला जो निशान है वो है गुरु पर्वत पर बनने वाला वल्य का निशान। एक आर्क के टाइप का ये निशान होता है, इसे गुरु वल्य भी बोला जाता है। ये वल्य का निशान बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसे लोग बहुत ज्ञानवान होते हैं, ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, ये बहुत महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। वल्य का निशान बहुत ही अच्छा निशान माना जाता है, इन लोगों के पास स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होती है और अक्कल साइंसेस में इनका ध्यान भी अच्छा होता है। अगला हमारा जो निशान है वो है गुरु पर्वत पर बनने वाला तीर का निशान। गुरु पर्वत पर बनने वाला तीर का निशान भी अच्छा निशान माना जाता है, यह आपके मन की एकाग्रता को दर्शाता है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ कोई भी काम करते हैं, उनका मन बहुत एकाग्र होता है, वो कभी भी अपने काम से इधर उधर भटकते नहीं हैं, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं जिनके हाथ पर तीर का निशान बनता है। ऐसे लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में वो सफल भी हो जाते हैं। अगले निशान की तरफ चलते हैं। अगर गुरु पर्वत पर जालीनुमा कोई निशान बना हुआ हो तो वो क्या दर्शाता है? जालीनुमा निशान को अच्छा नहीं माना जाता, ये वैवाहिक सुख में कमी को दर्शाता है, दाम्पत्य जीवन में कलह होने के इससे चांसेस बढ़ जाते हैं। इस निशान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे व्यक्ति हमेशा ही किसी वाद विवाद में फंसते रहते हैं, उनकी लाइफ में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो निशान है ये व्यक्ति के स्वभाव में ज़िद्दीपन को दर्शाता है, ऐसे व्यक्ति बहुत अक्खड़ स्वभाव के होते हैं, वो किसी भी बात को मानने को जल्दी तैयार नहीं होते, इसलिए जाली के निशान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, इन लोगों का स्वभाव भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अगले निशान की तरफ चलते हैं। अगला निशान है अगर गुरु पर्वत पर खड़ी हुई रेखाएं हों तो उन्हें कैसा माना जाता है?
खड़ी हुई रेखाओं को बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर गुरु पर्वत पर एक रेखा खड़ी हुई हो तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत सफल होते हैं, परंतु अगर एक से ज़्यादा रेखाएं हों तो चारों तरफ आपके विकास को वह दर्शाती हैं। चलिए अगला और आखिरी जो निशान है गुरु पर्वत के ऊपर वो है तिल का निशान। तिल का निशान होना गुरु पर्वत के ऊपर अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं होती, उसके विवाह में बाधाएं आती हैं या विवाह बहुत देर से होता है, और ऐसे व्यक्तियों का आर्थिक जीवन भी इतना ज़्यादा सुखी नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्तियों को जल्दी अपनी लाइफ में सफलता नहीं मिलती, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। परंतु अगर ये जो तिल है वो हल्का हो, गुलाबी से रंग का हो, तो ऐसे व्यक्तियों को पत्नी जो है वो अच्छी मिलती है, सुंदर मिलती है, परंतु फिर भी दोनों में मानसिक तनाव बना रहता है, दोनों में टेंशन बनी रहती है, आपस में उनकी विचार नहीं मिलते। इसलिए तिल के निशान को चाहे वो पिंक कलर का हो चाहे वो ब्लैक कलर का हो, उसे अच्छा नहीं माना जाता। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो हैंड रीडिंग के ऊपर। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुरु पर्वत को कैसे हम देख सकते हैं, उससे कैसे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।